किशोर जी की जो पेंटिंग्स हैं, इनका जो काम है वो इनके नाम जैसा है, क्योंकि इनका नाम है किशोर। किशोर का मतलब होता है कि जवानी, उल्लास वाला समय है। और सच में वो जो एक छलांग लगाते हैं वो समय, वो अवस्था किशोर अवस्था, जिसमें किसी चीज़ की चिंता नहीं होती, सिर्फ आनंद ही आनंद मन में होता है। जीवन की खुशियों को, आनंद को कैच करिए, उसको पकड़िए, हर जगह वही है। एक पेंटिंग में हमको कृष्ण भी नज़र आ गए मयूर पंख, क्योंकि किशोर भगवान कृष्ण का नाम है, तो इसलिए हम उनको भी जोड़ रहे हैं इनके नाम से, भगवान कृष्ण को। तो बहुत खूबसूरत काम है, और मैं यही चाहूँगा कि जो लोग इसे देखें उनके अंदर जीवन जीने की इच्छा पैदा हो, यही इनकी हर एक पेंटिंग का मैसेज है। ये एग्जैक्टली सुना रहा हूँ जो रविंद्र जैन जी ने लिखी हैं, कि उसमें नज़र आता है कि जो सुबह होती है, भोर होती है, तो वो कैसी होनी चाहिए। पंछियों के शोर से जाना के भोर हो गई, पंछियों के शोर से जाना के भोर हो गई, पुलकित हो गए प्राण, आत्मा आनंद विभोर हो गई। पंछियों के शोर से जाना के भोर हो गई। तो इस हर पेंटिंग में उल्लास है, भोर है, सुबह है, खूबसूरती है, और खुशी और सुख प्राप्त करने का प्रयास है, हर जगह मैंने वही देखा। थैंक यू। आप किशोर जी कुछ कहें? मुझे बहुत आनंद हो गया कि इन्होंने जो मतलब अभी कहा उसी भाव को लेके मैंने पेंटिंग्स की हुई है, तो इन्होंने परफेक्ट पहचाना है। मैंने एक्सरे ले लिया। एकदम परफेक्ट पहचाना है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और ये जो बोल रहे हैं कि ये जो खुशी की पेंटिंग्स है, डिप्रेशन इसमें नहीं है, डिप्रेशन बाजू में निकालने के लिए ये पेंटिंग्स है, पॉजिटिविटी के लिए पेंटिंग्स है, ये सब उसी का ये रिफ्लेक्शन है। यही मन में रख के मैंने ये पेंटिंग्स की है। ये आज मेरे यहाँ आए, मैं इनके बहुत बहुत शुक्र गुजारता हूँ, और आई एम वेरी मच थैंकफुल टू हिम रियली। एंड अभी जो इन्होंने गाया बहुत अच्छी तरह से गाया, इनका आवाज़ बहुत ही मधुर है। थैंक यू, मतलब बहुत अच्छा लगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हमारे दोस्त हैं शशि भुमावत, खुद भी उनकी बहुत उनकी कहाँ शशि कम शशि भुमावत, उनकी वजह से आ गए आज यहाँ। नॉट ओनली माय फ्रेंड, ही हिमसेल्फ इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट, बहुत अच्छे स्केचेस बनाते हैं, बहुत अच्छी डिजाइनिंग करते हैं, आर्किटेक्ट हैं, इंटीरियर डेकोरेटर हैं, सब कुछ हैं। तो इन्होंने जब मुझे कहा कि आना है, तो आना ही है, बस कोई दोस्त ऐसा कह दे तो आना ही है। तो मैं अभी सीधा दिल्ली से सीधा आ रहा हूँ, एयरपोर्ट से यहाँ आ रहा हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने कुछ ऐसी आज चीज़ें देखी हैं जो मुझे भी आगे सिखाएंगी कि जीना कैसे चाहिए। वेरी मच थैंकफुल टू यू, वेरी मच थैंकफुल टू यू। We'll be right back.